फिर कहर बरपा रहा है कोरोना। दिल्ली को फिर डरा रहा है कोरोना। इधर देश की राजधानी दिल्ली का तापमान गिर रहा है, उधर कोरोना की दहशत बढ़ने लगी है। त्योहारों पर भारी भरकम भीड़ और सर्द होते मौसम की वजह से कोरोना दिल्ली में तेजी से पैर पसार रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,235 केस सामने आए हैं और कोरोना से दिल्ली में 95 मौत भी हुई है। रिकवरी के मामलों ने हालांकि कुछ राहत दी है और 90.19% के रिकवरी रेट के साथ 7,606 लोग पिछले 24 घंटों में ठीक भी हुए हैं। अब दिल्ली में कोरोना के कुल एक्टिव केस 39,990 हो गए हैं। अब तक कोरोना से दिल्ली में 7,614 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वैसे आंकड़ों के लिहाज से देखें तो दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 26 अक्टूबर के बाद से एक दिन में सबसे कम मामले सामने आए। 26 अक्टूबर को दिल्ली में 2,832 नए मामले सामने आए थे, लेकिन एक दिन में कम मामले आने का मतलब ये कतई नहीं है कि कोरोना की रफ्तार सुस्त हो गई है। दरअसल दिवाली की वजह से दिल्ली में शनिवार को लोगों ने कम टेस्ट कराए, जिससे पिछले 24 घंटों में नए मरीजों की तादाद में ज्यादा इजाफा नहीं देखा गया। दिवाली वाले दिन दिल्ली में कोरोना के 3,235 नए मामले दर्ज हुए। हालांकि ये कोरोना के मामलों में गिरावट नहीं है, बल्कि इसके पीछे की वजह है कोरोना टेस्ट का कम होना। शनिवार को दिल्ली में 21,098 लोगों ने ही कोरोना टेस्ट करवाया और नवंबर के बाकी दिनों का आंकड़ा देखें तो रोजाना दिल्ली में 40,000 से 60,000 के बीच लोग टेस्ट करवाने के लिए पहुंच रहे थे। यही वजह भी थी कि दिल्ली में कई बार आंकड़ा 7,000 के पार भी पहुंच गया। इसका साफ अर्थ यह है कि दिल्ली में कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। कोरोना से जंग के लिहाज से आने वाला हफ्ता खासा अहम होने वाला है। विशेषज्ञ भी लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि सर्द होता मौसम और बढ़ता प्रदूषण कोरोना के कहर को बढ़ाने में अहम किरदार निभाएंगे। थोड़ा मौसम दिल्ली में और नॉर्दर्न इंडिया में ठंड की तरफ जा रहा है और ठंड में हमें ये देखा है कि दो चीजें होती हैं। एक तो वायरस जो है वो हवा में ज्यादा देर तक सर्वाइव करता है और इसलिए इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और दूसरा ठंड में लोग अंदर ज्यादा रहते हैं, बाहर कम रहते हैं, और अंदर रहने से क्राउडिंग ज्यादा होती है, लोग साथ इकट्ठे बैठते हैं और वायरस का फैलना एकदम ज्यादा हो जाता है। एक चीज और है कि पोल्यूशन जो है वो भी बढ़ रहा है, और ये कई स्टडीज ने ये शो किया है कि पोल्यूशन के साथ दो चीजें होती हैं। एक तो केसेस भी बढ़ सकते हैं क्योंकि वायरस जो है पोल्यूटेंट्स के साथ जुड़ के ज्यादा देर तक हवा में रह सकता है, और सीरियस केसेस भी बढ़ सकते हैं क्योंकि पोल्यूशन भी फेफड़े पे असर करता है और वायरस भी फेफड़े पे असर करता है। देश की राजधानी में जहां कोविड टेस्ट कराने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है, वहीं त्योहारों के सीजन में बाजारों में सावधानी बरतने में भी खूब कोताही देखने को मिल रही है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उम्मीद जताई है कि हफ्ते 10 दिन में सब ठीक हो जाएगा। कोरोना बढ़ रहा है, इसको लेके मैं भी चिंतित हूँ। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कोरोना बढ़ रहा है, जो भी उचित कदम उठाने की जरूरत है हम वो सभी उचित कदम उठा रहे हैं। अगले हफ्ते भी और कई सारी चीजें हमने सोची हुई हैं, कई सारे कदम और उठाए जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हफ्ते 10 दिन के अंदर फिर से कोरोना की स्थिति काबू में आ जानी चाहिए, कोरोना कम होना चालू हो जाना चाहिए। अभी कुछ दिन बढ़ रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि हफ्ते 10 दिन के अंदर कोरोना की स्थिति दिल्ली में काबू आ जाने चाहिए। नवंबर का महीना शुरू होते ही दिल्ली में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ने लगा। हर रोज औसतन 5,000 से 7,000 कोरोना के केस आ रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते ही दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सख्त रवैया अपनाया था और दिल्ली सरकार की ओर से लगातार दी जा रही छूट को लेकर सवाल उठाया था। अदालत ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि एक तरफ दिल्ली में रोजाना हजारों नए मामले सामने आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कोरोना को नियंत्रित करने के लिए नियम सख्त करने की बजाय लोगों को लगातार छूट दी जा रही है।
कोर्ट ने दिल्ली सरकार से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी थी। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।